फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं शंकर कुमार झा आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इसी तरह प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। हम देख रहे हैं यहाँ पर एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है, जिसमें कि जिसका की एरिया है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का एरिया कितना दिया हुआ है, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन विच एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डी ए बी मीन्स ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। इफ ए बी ई इज क्वाड्रेंट, ए बी ई जो है ये क्वाड्रेंट है ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं। तो बताइए इस फिगर का एरिया निकालने के लिए, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत होगा। इस ट्रेपीजियम का एरिया में से हमको ये देखिए, इस फिगर को हम यदि इस क्वाड्रेंट को हटा दे काट करके, तो बच जाएगा मेरा शेडेड रीजन का एरिया। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस का जरूरत होगा। हम जानते हैं जो कि रेडियस मेरा है ए ई और ए बी दोनों इक्वल है और रेडियस है। तो हमको तो ए बी दिया हुआ है नहीं, जो हाइट है ट्रेपीजियम का ये दिया हुआ है नहीं। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो यहां से 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू एच हमको फाइंड करना है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है मेरा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 × 4 = 14 सेंटीमीटर इंटू एच। 2 से कैंसिल करेंगे, 7 × 14। ये 7 यदि इधर आएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 × 3 = 21, 3 बच जाएगा 5, 7 × 5 = 35। ये पॉइंट आ जाएगा मतलब 3.5 आ जाएगा। तो मेरा ट्रेपीजियम का हाइट कितना हो गया, 3.5 हो गया। तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस क्या चीज का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को गिवन है कितना, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 1/4 πr². तो यहां से 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन 3.5 का स्क्वायर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यहां से देखिए बाई 10 आ जाएगा, नीचे पॉइंट जाएगा तो यहां से इसको कट करेंगे तो 5 से काटते हैं तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। और 1 × 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 × 11। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 11 × 7 = 77, 77 × 7 मीन्स
7 7 49 4 53 means 539 by 4 7 are 28 2 are 56 centimeter square. यहां से 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहां से आ जाएगा मेरा. तो यहां से दोस्तों 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 539 बाय 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. इसको डिवाइड देंगे हम डेसिमल में करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9.6 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोस्तों इसको डिवाइड कर लीजिएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 14.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है. एबीसी कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. यहां पर ए पर राइट एंगल पर बन रहा है जिसका साइड दिया हुआ है बीसी 10 सेंटीमीटर, एसी दिया है हमको 6 सेंटीमीटर. तो हमको अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो बताइए शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में से इस सर्किल का एरिया को हम माइनस कर देंगे. इस ट्रायंगल में से यदि हम सर्किल का एरिया को काट के हटा लेते हैं तो देख लीजिए दोस्तों शेडेड रीजन का एरिया निकल जाता है. और सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस का जरूरत पड़ेगा. तो रेडियस तो दिया हुआ है नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले ये बीसी 10 दिया हुआ है, एसी 6 दिया हुआ है, इसमें हम ए बी निकालते हैं. क्या निकालते हैं? ए बी निकालते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. 10 इज हाइपोटेनस बिकॉज ये राइट एंगल के सामने जो बनता है वो हाइपोटेनस होता है मेरा. तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर. तो 100 में से 36 गया 64 सेंटीमीटर. Means 8 सेंटीमीटर निकल गए मेरा. तो हम पहले एरिया का कंसेप्ट लगा करके हम रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे. देखिए किस तरह से हम करते हैं. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा पहले लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मीन्स बड़ा वाला ट्रायंगल, एबीसी का एरिया जो बराबर होगा. हम देखिए पहले से तीन पार्ट में इसको बांट के रखे हैं. ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, ओ से कंस्ट्रक्ट, ए को, बी को, सी को. हम देखते हैं ए ओ बी का एरिया प्लस बी ओ सी का एरिया प्लस ए ओ सी का एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी. देखिए अब इस तीनों ट्रायंगल का एरिया को हम जोड़ते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी का एरिया आता है या नहीं? देखिए ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहां देखते हैं हाफ इंटू बेस मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट है मेरा 6 सेंटीमीटर. याद रखिएगा 10 हाइपोटेनस है, ये बेस और हाइट नहीं है. अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी को देखते हैं. एओबी में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है सॉरी. तो देखते हैं इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस है मेरा 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट है मेरा रेडियस. हम जानते हैं कोई भी सर्किल का सेंटर से यदि हम मिलाते हैं टेंजेंट को तो परपेंडिकुलर होता है. तो यहां परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा आर. प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी देखते हैं. बीओसी में हाफ इंटू बेस हो जाएगा मेरा 10 इंटू हाइट, फिर से देखिए मेरा आर है. प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ए ओ सी देखते हैं, इसमें हाफ इंटू बेस इस बार मेरा हो जाएगा 6 इंटू हाइट मेरा फिर से आर है.
यहां से हम कट करते हैं, देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 4 जा 8, 2 से 2 5 जा 10, 2 से 2 3 जा 10। यहां से देखते हैं हम 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 * r 4 r प्लस 5 * r 5 r प्लस 3 * r 3 r। तो देखिए 5 4 9 प्लस 3 12 means 12r is equal to 24 centimeter square, then r is equal to 24 by 12 centimeter centimeter square, 12 2 24 means mera r ka value aa gaya 2 centimeter। ab radius nikal gaya, dekhe dosto ab radius nikal liye, ab mera area of shaded region kya ho jayega, area of triangle abc minus area of circle। to dekhte hain एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम निकाल चुके हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से आया है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस पे कितना निकला है 2 × 2। तो यहां से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए स्पेस नहीं है, यहाँ देखते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 × 2 = 44 × 2 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7। इसको फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम, 7 × 24 = 7 × 7 = 28 × 2 = 14 × 16 168 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 88 सेंटीमीटर। इसको हम माइनस करते हैं तो 0 × 8 = 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।